चैनल सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी। इट्स ये KW66 वॉच का पार्ट टू है जो कि बहुत से भाई वेट कर रहे थे। और आज की वीडियो में से कुछ फंक्शंस चेक करने हैं। लास्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग थी और जस्ट इनिशियल रिव्यू था, बट आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। और बहुत से लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही है बिटवीन W10 और KW66, तो वो भी आज कन्फ्यूजन में आपको क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास जो वॉच थी उसके जो सा वर्जन था W10 था, अंदर से W10 था। तो मैं आपको दिखा दूं आफ्टर अब सॉफ्टवेयर अपडेट आपको एक से दो सेकंड या थर्ड अपडेट में आपका KW66 में आपकी वॉच चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले इधर W10 आ रहा था। तो जो लोग कंफ्यूज थे कि ये W10 जो सी वो फेक है और KW66 ओरिजिनल वॉच है, तो उनको क्लियर कर दूं कि दोनों सेम ही हैं। और इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट ईमी लैब वालों की तरफ से भी आ गई हुई है, ठीक है। ये सेकंड अपडेट में इसका नेम चेंज हो गया, KW66 हो चुका है, ठीक है। और बाकी इसकी चीज़ें चेक करते हैं, फदल बात करते हैं। तब तक इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं कि IP68 ये वॉच है या नहीं, तो इसको चेक करते हैं। ये आपकी वॉच है उन हालत में है। एंड पानी में डाल देते हैं। जी ये चल रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था इसलिए मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ी। और कि बहुत सारे लोग कह रहे थे द लास्ट पे जो वॉच है उसकी जो वर्जन है वो W10 है, जो ऑफिशियल वॉच है उसका KW66 है, तो ये सॉरी एक क्लोन वॉच है। ऐसा नहीं है, दोनों की दोनों ओरिजिनल वॉच है। एक इंटरनेशनल वर्जन है जो कि हमारे रीजन के लिए पाकिस्तान के लिए इंग्लिश में है, अरेबिक भी है, ठीक है। एक चाइनीज वर्जन होता है जो कि सिर्फ चाइना ओनली के लिए होता है, और एक ग्लोबल वर्जन होता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल होता है। तो इसका डिफरेंस था सॉफ्टवेयर, सिर्फ और सिर्फ नेम का डिफरेंस था W10 और KW66, बाकी हर चीज़ सेम टू सेम एक जैसी है। इलेक्ट्रिकली और आइडेंटिकली देखने में भी और यूज़ करने में भी हर चीज़ सेम है। और अगर आपके पास W10 वर्जन है तो भी कोई इशू नहीं है सॉरी तो आप उसको जब अपडेट करेंगे, पहले फर्स्ट अपडेट आएगा देन सेकंड अपडेट आएगा, सेकंड अपडेट के बाद आपकी वॉच ऑटोमेटिकली उसका नेम KW66 में चेंज हो जाएगा। सो ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी। अभी आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है ईमेल आए वालों की तरफ से कि दोनों वॉचेस सेम है, आप कन्फ्यूज ना हो। और ये अपडेट भी इसीलिए भेजा गया था क्योंकि बहुत से लोग उनसे भी क्वेश्चन कर रहे थे कि ये W10 फेक वॉच है तो क्या इशू है इसमें। तो उनको भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस गए जिसकी वजह से उन्होंने न्यू अपडेट में इसका नेम ही चेंज कर दिया। अब KW66 ही सबका वॉच है, जिसके ऊपर W10 भी है, तो वो आफ्टर अपडेट KW66 उसका ओरिजिन हो जाएगा। और दोनों सेम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई इसमें कन्फ्यूज ना हो, दोनों सेम है। W10 और KW66 दोनों की दोनों सेम है। आफ्टर अपडेट W10 भी आपकी KW66 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें दोनों की दोनों उसकी देखने के लिहाज से और यूज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है, 1% भी फ़र्क नहीं है। और जो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगाई हुई है और आपको वीडियो में भी शो कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ें वर्किंग के लिहाज से इसकी बात की जाए तो इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, 30 डेज इसकी स्टैंड बाय है। और अगर आप एक्सट्रीम यूज़ करते हैं जो कि शोमी मी लैब कहते हैं कि 7 डेज से ज़्यादा आपका यूजेज है, और बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक्सट्रीम यूज़ करते हैं इसको तो आपका तब भी 8-9 दिन ये गुजार देती है बड़े आराम से।
और चार्जिंग टाइम इसका 3.5 घंटे है, और 1 घंटे में ये हाफ चार्ज हो जाती है। अगर आप 1 घंटे बाद इसको उतार देते हैं तो आपकी 50% चार्ज हो चुकी होती है। तो अगर आप फुल चार्ज चाहते हैं तो 3.5 घंटे इसके रिक्वायर्ड होते हैं। स्टैंड बाय टाइम इसका 30 डेज़ है बैटरी का, और यूजेज एक्सट्रीम यूज़ अगर आपने इसके सारे फीचर्स ऑन किए हुए हैं, तमाम फीचर्स के ऑन किए हुए हैं, तो आपकी ये 7 से 9 दिन आपका आराम से गुजार देगी एक सिंगल चार्ज पे। क्वालिटी के लिहाज से, हर लिहाज से अच्छी है प्राइस, इस प्राइस रेंज में मेरे लिहाज से कोई भी ब्रांडेड वॉचेस में इससे बेस्ट कोई वॉच नहीं है, ठीक है। और आप, लास्ट मैंने वॉच T500 का रिव्यू किया था, वो देखने में अच्छी थी बट उसकी बैटरी टाइमिंग एक्सट्रीम पुअर थी। तो अगर स्मार्ट वॉच की बैटरी नहीं अच्छी तो आपका यूज़ के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं है। एक और भाई का क्वेश्चन था कि इसका सेंसर की एक्यूरेसी किस तरह की है। सेंसर की एक्यूरेसी डिपेंड करता है आपने इसको पहना कैसे है। जो ईमेल ऐप आपको कहती है कि पहनने का तरीकाकार, वो ये है कि आपकी बिल्कुल यहाँ पर रिस्ट पे आपने इसको नहीं बांधना, एक उंगली का फ़र्क होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपकी आनी चाहिए, एक उंगली का फिंगर का फ़र्क होगा तो वो अच्छे से काम करेगी, और वो टाइट होना चाहिए ताकि उसके सेंसर सारे काम करें। और वर्किंग के लिहाज से इसके सेंसर्स सब बहुत अच्छे हैं। 100% एक्यूरेट तो किसी के भी नहीं होते, बट इसके जो से आपका शोमी का स्मार्ट बैंड है उसके जैसी इसकी एक्यूरेसी है, आप कह सकते हैं कि उसके जैसी इसकी एक्यूरेसी है। और बेस्ट यूज़ करने के लिए, वो आप वक्त के साथ यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह मैं इसको यूज़ करूँगा तो ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी आएगी। और एक भाई का क्वेश्चन था कि वेदर इसमें अपडेट आता है। वेदर का फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, बट इन ऐप जो आप इसकी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका वेदर की इंफॉर्मेशन आती है। उसमें ट्रैकिंग भी है, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें ऑन कर देंगे तो वो आपकी लोकेशन ट्रैक करता है कि आपने डिस्टेंस कितना किया है और आपने कौन कौन सा ट्रैक यूज़ किया है। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। बाकी इसके जो उनसे इंटरफेस है जो इसकी ऐप में मौजूद है, वो मैं इसी वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ मैं आपको उसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। बाकी वर्किंग के लिहाज से बहुत अच्छी वॉच है, इस प्राइस में मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट वॉच है। हिलो शोमी हिलो वॉच भी अच्छी है, बट वो जस्ट एक स्मार्ट बैंड के तौर पे है। जो स्मार्ट बैंड पसंद नहीं करते हाथ में पहनना, वो कहते हैं वॉच टाइप हो तो वो उनके लिए अच्छी ऑप्शन है, बट इस ये उसका अपग्रेडेड मॉडल है। आप इंश्योर ये कह लें, जो शोमी सोलर हेलो वॉच है उसकी ये अपग्रेडेड मॉडल है, और इसमें का इंटरफेस भी आप, सॉरी, इसका जो वॉलपेपर है, जो डायलिंग इंटरफेस है जो फर्स्ट है, वो उसको आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उससे भी पिक्चर लगा सकते हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया इसको पानी में गए हुए, तो अब हम इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं कि सर्वाइव किया है इसने और ये स्टिल वर्क कर रही है। तो बेफिक्र होके इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं पानी के अंदर, आपके सामने ये स्टिल वर्क कर रही है। टच भी इसका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसका टच वगैरह सब फंक्शन सही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हुश कर लेते हैं, देन इसको फर्दर इसको यूज़ करते हैं। मैं आपको इसके फंक्शन बताता हूँ, इसके क्या क्या फंक्शन है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से चेंज होता है, आप इसको प्रेस करे रखेंगे तो देन आप इसको इंटरफेस का जो सा डायलर है उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोग इस इमेज में कंफ्यूज हो रहे थे कि ऑफिशियल वॉच जो उनसी है उसके बॉक्स की इमेज चेंज है, और जो दराज पे सेलर सेल कर रहे हैं उनकी बॉक्स की जो उनसा इमेज है वो चेंज है। तो इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल ना हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो कुछ बॉक्सेस पे तस्वीर जो उनसी है वो इस तरह की है और कुछ पे चेंज है,
तो उसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा, दोनों सेम ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दोनों ही ओरिजिनल हैं। ठीक है, इंटरफेस कैसे चेंज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको प्रेस करके रखेंगे, देन आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है, और अपनी पसंद का अगर करना चाहते हैं, कोई लेना चाहते हैं, तो देन आपको ऐप से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप का जो तरीकाकार है, यूज़र है, वो मैं आपको इसके साथ नेक्स्ट दिखा देता हूँ। बाकी इसके फंक्शन जो से हैं, इसमें आपकी तमाम, इसमें आपकी तमाम तफसीलात आ जाती हैं, जाके 621 स्टेप्स हैं जो मैंने सेट किए हैं। सपोज मैंने आज का टारगेट 2000 स्टेप किया हुआ था, तो उसके मुताबिक 621 मैं कर चुका हूँ, और कितना मैंने किलोमीटर किए हैं वो आ रहा है 0.46, एंड कितने कैलोरीज बर्न किए हैं वो आ रहा है। ये आपका ब्लड प्रेशर आपको इसमें बताएगा। इसको थोड़ा सा आप अगर गीला है तो इसको साफ़ कर लें, बाकी ये काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू MI बैंड। इसकी जो सा हार्ट रेट चेक करने की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, इवन के लाइव आपकी भी वो करता रहता है, उसको स्पेशल को टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी लाइव करता रहता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, नेक्स्ट आपका आता है ये स्लीपिंग टाइम है जो कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आप बैंड पहन के सोएंगे तो ये इसको रिकॉर्ड कर पाएगा स्लीपिंग टाइम। ये ट्रेनिंग है, इसमें आपकी तमाम आ जाती हैं जो आपकी स्पोर्ट्स के रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग के तमाम आपके आ जाते हैं। 12 स्पोर्ट्स आपके डिफरेंस इसमें आ जाते हैं। देन म्यूज़िक है, आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होने पे इसका म्यूज़िक ऑन हो जाता है, आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और तमाम फीचर्स आपके यूज़ हो जाते हैं। वॉच को मैंने साफ़ कर लिया है ताकि गीला उसमें से पानी खुश्क हो जाए, ताकि वो सही से काम करे। तो अब इसका दोबारा चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको रिस्क के साथ सही प्रॉपर करते हैं तो ये लाइव अपडेट्स आपको देता है। इसके ऊपर भी आपको आता रहेगा, जैसा कि आपको शो हो रहा है 108, और आप इधर से भी देख सकते हैं, और ये लाइव आपको ब्लड प्रेशर आपका बताता जाता है। और इसको बांधने का तरीका हमेशा आपने याद रखना है कि बिल्कुल रिस्क के साथ नहीं होना चाहिए, एक फिंगर का फासला होना चाहिए ताकि ये अच्छे से काम करें। और बाकी जो इसके फंक्शन हैं, जो इसके ऐप में फंक्शन था, वो मैं आपको इसके साथ ही गाइड कर देता हूँ कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। और जो इसकी वॉच है, वॉच में जस्ट यही फंक्शंस हैं, आपके मैसेजेस वगैरह जो आपके कनेक्ट हो जाते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, आप इसको नीचे करते हैं तमाम नोटिफिकेशंस आपको आ जाती हैं जो जो आपकी चल रही हैं, इसके थ्रू आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। और ये ऊपर से आपका ये इसके मूड है, इसकी आप कम भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपने फ़ोन को सर्च करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, आपका फ़ोन रिंग करेगा कि फ़ोन कहाँ पे है, यहाँ से आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं, ये तमाम आपकी सेटिंग्स हैं। QR कोड से आप इसको स्कैन करेंगे तो आप उसके थ्रू इसकी जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको ऑन ऑफ हो जाता है, और यहाँ से आपका
डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चला जाता है। बैटरी की जो परसेंटेजेस हैं वो हैं 25%, 50%, 75% और 100% शो करते हैं, ठीक है। और डैट मीन कि ये कनेक्ट है, अगर इस पे लाइन आ रही है इसका मतलब है ये कनेक्ट नहीं है आपके मोबाइल फ़ोन से। तो जो आपकी वॉच के जो तमाम फीचर्स हैं वो यही हैं, और बाकी जो एप्लीकेशन के फीचर्स हैं वो मैं आपको तमाम बाकी नेक्स्ट गाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ऐप के फीचर्स के बारे में, और ये इसकी ऐप है। इस पे आपकी ये तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। ये वेदर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मोबाइल जो आपकी वॉच है उस पे अभी अपडेट नहीं आया, मे बी इन फ्यूचर अपडेट आ जाए कि आपके वॉच में भी आपकी जो सा है वेदर शो हो। तो ये कुछ इस तरह है। और ये स्पोर्ट्स के हैं, ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसके थ्रू अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी ट्रैकिंग करता है कि किस किस ट्रैक से, किस किस लोकेशन से आप गुजर के गए हैं, और जो भी आपका प्रोसीजर है रनिंग का आप उसको फॉलो करते हैं तो इस पे आता जाएगा, और इसको डाटा ये सेव भी कर देता है आपके ऐप में। बाद में ये चीज़ें आती हैं, ये बाद में आती हैं ये चीज़ें जो आपके डायलर हैं, जो मेन चीज़ है। इस पे कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि ये चेंज है, देखें यहाँ पर सब वही हैं जो आपको ईमेल ऐप की वेबसाइट पर नज़र आ रहे हैं या शोमी की वेबसाइट पर नज़र आ रही हैं, वो यही हैं सब के सब। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, वो ये था। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको उसमें चेंज हो जाएगा। KWW6 जो मोस्टली जो बॉक्स शो हो रहा है उसमें ये वाली ये शो हो रही है, ये वाला डायलर शो हो रहा है। तो आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। पहले डाउनलोड होता है और दैन सिंक होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट एग्जैक्ट थोड़ा टाइम लेता है ये, देन आपका चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे हैं, आप इसको इसमें से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये डायल सेंटर है, यहाँ पर आके जो उनसे आप जो ऑलरेडी ऐप में मौजूद हैं वो आप कोई भी इसमें से लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। और बाद में माई डायल में वो आता है जो आपने डाउनलोड किए होते हैं, और कस्टमर्स डायल कस्टम डायल में आप पिक्चर भी कोई भी अपनी पसंद की लगा सकते हैं, उसमें जो आपको वॉलपेपर पसंद हो तो वो आप उसमें खुद की पिक्चर या कुछ भी उसमें अटैच कर सकते हैं। मज़ीद वॉच के बारे में बताऊँ तो इसकी जो सी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें जिंक की कोटिंग हुई हुई है। जो इसका स्ट्रिप है वो है आपका सिलिकॉन का, और जो आपकी इसकी शेल है वॉच का वो उस पे जिंक की कोटिंग हुई हुई है। थोड़ा स्लो है ये जब आप इसको इसका डायलर चेंज करते हैं। डायलर चेंज हो चुका है, और ये यहाँ पर सब डायल जो मैंने लगाए हुए थे वो सारे इधर शो हो रहे हैं। कस्टम डायल में आ जाएंगे, इसमें आप इसको क्लिक करेंगे देन आप गैलरी में से जो भी आपकी पिक्चर चाहिए उसको आप लगा सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके जो भी आपको पिक्चर उसी वक्त पिक्चर उतार के लगाना चाहती है, एल्बम में से लेना चाहते हो, यहाँ से वो आपकी लग जाती है। तो ये सेटिंग्स हैं, तो अपने यूज़ के मुताबिक आप इसको ऑन कर सकते हैं, दैन वो आपके वॉच पे शो होंगी। कॉल रिमाइंडर है, ऐप रिमाइंडर है। ऐप रिमाइंडर मीन कि वो आपको रिमाइंड करता है कि आपकी ये नोटिफिकेशन आई थी, आपने उसको इग्नोर किया, तो ये आपको बताया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारी तमाम चीज़ें हैं इसमें, और ये अपडेट कहाँ से होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। वो यहाँ से अपडेट होगी, तो जिन जिन के पास W10 वॉच है वो इसको यहाँ पर जाके अपडेट करें तो वो KW66 वर्जन में चेंज हो जाएगी। लेटेस्ट वर्जन में जैसा कि वो बता रहा है ऑलरेडी अपडेट है।
और ये जो आप उसको रेज करते हैं वो स्क्रीन ब्राइट हो जाती है, तो ये फीचर यहाँ से ऑन करने से होता है। तो ये इसकी सारी की तमाम तर सेटिंग है। इधर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जो भी आपने स्टेप अपने सेट करने हैं, डेली गोल वगैरह जितने आपने 3000 करने हैं, 4000 करने हैं, जो भी आपकी हेल्थ के मुताबिक आपकी करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके मुताबिक आपका प्लान सेलेक्ट हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू आपने वेट किया, और आई होप कि अब आपकी जो कन्फ्यूजन थी के W10 और के W66 डिटेल काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब वो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्लोन नहीं है, दोनों ही ओरिजिनल हैं, ठीक है। और फिर भी अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी पिक्चर लगाई हुई है जो कि शोमी ईमी लैब वालों की तरफ से डिटेल लेटर जारी किया गया था, जिसमें मेंशन है ये बिल्कुल सेम है सवाए W10 और K66 मॉडल नेम के चेंज होने के अलावा, बाकी सब का सब चेंज है, ठीक है। तो अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।